बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा आपको कटिंग्स जो नज़र आ रही है, मैं ये कहीं से लेके आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, आज आपको मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन सी कटिंग है और अब इसको हम कैसे लगाएंगे और किस तरीके से हम इसको सेव करेंगे कि इतनी ज़्यादा सर्दी में भी हमारी ये कटिंग चल जाए। और बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, एलोवेरा की कुछ वेराइटीज़ है। इसके अलावा मैंने लिए है इनसे कुछ, ये भी एलोवेरा की वेराइटी है, बहुत खूबसूरत वेराइटी मुझे मिली है। तो जो मेरे पास नहीं थी मैं लेके आई हूँ। ये भी रेक्स बिगोनिया की वेराइटी है जो मेरे पास नहीं थी। मेरे पास 3-4 वेराइटी है लेकिन ये वाली वेराइटी नहीं थी, तो इनकी भी कटिंग लाई हूँ। लेकिन इसको अब हमने कैसे लगाना है, किस तरीके से सेव करने हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये स्पाइडर प्लांट की वेराइटी है और ये है ड्रेसिना का प्लांट, इसकी भी मैं कटिंग लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ये सारी कटिंग हमारी चल जाएगी और इसको हम किस तरीके से सेव करेंगे। ये विंका की एक वेराइटी है, साथ में मैंने लिए है केलेंचू के प्लांट की कटिंग, और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अभी इसका नाम मैं भूल गई हूँ लेकिन मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। ये भी एक ड्रेसिना की वेराइटी है। इसके अलावा फ्रेंड, ये मेरे पास शेफलेरा की एक ग्रीन वाली वेराइटी थी लेकिन ये जो वेरीगेटेड है ये नहीं थी, तो ये भी एक कटिंग में लेके आई हूँ। और इसके अलावा है ड्रेसिना की एक और वेराइटी, इसकी भी कटिंग लेके आई हूँ। तो इन सबको हम कैसे ग्रो करेंगे और कैसी मिट्टी में हमने इसको ग्रो करना है वो भी आप आज को मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ये भी एक फन की एस्पेरिगस की वेराइटी है और ये पाम की वेराइटी है, इसकी भी कटिंग इंशाल्लाह हम ग्रो करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल से मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं और आपको पता चल सके। ये देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैंने मिट्टी ली है, सैंड मिट्टी, और इसमें आपने कंपोस्ट बिल्कुल जो हल्की काद होती है वो आपने ऐड करनी है, क्योंकि ये अभी जनवरी है। जनवरी में हम जो ज़्यादा हैवी काउ डंग कंपोस्ट है वो हम बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है या लीफ कंपोस्ट है, सबसे अच्छी जो काद है इस वक्त, तो हम लीफ कंपोस्ट मैंने इसमें ऐड की है, सैंड और मिट्टी, बस और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने ये जो रेक्स बिगोनिया की वेराइटी है इसको मैंने लगा लिया है, और इसको अच्छी तरह से आपने मिट्टी के अंदर, इसके जो जड़े हैं जहाँ से जड़े निकलेंगी तो उसको आपने मिट्टी के अंदर कर देना है। ये तीनों मैंने एक ही पॉट में लगाए हैं क्योंकि अभी मैंने इसको रखना है पॉली हाउस में। पॉली हाउस के बगैर आपकी कोई भी कटिंग जनवरी में कामयाब नहीं हो सकती। 100% आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपने फिर पॉली हाउस में ही रखना है कटिंग्स को, तभी आपकी जो सारी कटिंग्स है वो ग्रो हो जाएगी। ये के फ्रेंड, ये है ड्रेसिना की वेराइटी, तो इसको भी मैं लगा लूँगी एक पॉट में। ये देखिए, इसके जो सारे नीचे के लीव्स है आपने इसको रिमूव कर देना है और एक इंच तक आपने इसको मिट्टी के अंदर करना है। इसके अलावा फ्रेंड, जो नेक्स्ट इसकी एक ये पार्ट वन होगी इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स है तो सब की कटिंग मैं एक साथ नहीं लगा सकती, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसके साथ मैंने एक यहाँ पर लगाया है एलोवेरा, ये ड्रेसिना के का जो छोटा प्लांट था वो भी, उसकी भी कटिंग मैंने रेक्स बिगोनिया के साथ ही लगा ली है। लेकिन आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी, आपने जो कंपोस्ट है उसका आपने बहुत ख्याल करना है, वरना फिर आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। अगर लीव कंपोस्ट ना हो तो आप फिर सैंड और मिट्टी में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्रेंड, ये है एलोवेरा की वेराइटी, स्टार एलोवेरा, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको मैं फिर बहुत एक और जो कंटेनर है उसमें लगाऊंगी, तो फ़िलहाल इसकी रूट्स ख़राब ना हो तो इसमें मैं इसको लगा लूँगी। एक ही प्लांट, एक ही पॉट में मैं कुछ एलोवेरा की जो कटिंग है इन सबको मैं एक साथ लगा लूँगी, फिर बाद में इसको मैं डिवाइड करूँगी जब इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाए। तो इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसको आपने खुली हवा में नहीं रखना, बाहर प्लांट्स के दरमियान भी अगर आप रखेंगी तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपकी जो प्लांट्स है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ये फिर कटिंग ख़राब हो जाएंगी। तो इनको सेव करने का एक ही तरीका है कि इसको आपने पॉली हाउस में रखना है। ये ड्रेसिना की जो वेराइटी है इसको भी मैं इस पॉट में लगा लूँगी, और साथ में जो दूसरी वेराइटी है इसको भी मैं इसी पॉट में लगा लूँगी, और इसको फिर हमने
जो ड्रेसिना का प्लांट है और पाम का प्लांट है, इनको आप बाहर भी रख सकते हैं प्लांट्स के दरमियान में, लेकिन ये जो कटिंग जो नाजुक है इसको आप अंदर ही रखेंगी। ये शेफलेरा की वैरायटी है, इसको मैं कट कर लूँगी। इसका इसकी जो स्टेम है काफ़ी लंबी है, इस तरह आप स्टेम कट करके भी इसको आप लगा सकते हैं, तो इसकी दो कटिंग हो जाएगी। मैंने इसकी तरीके से काफ़ी सारी कटिंग्स को ग्रो किया है और ये 100% ग्रो होती है, और इसकी फिर अपडेट भी आपके साथ में आगे इंशाल्लाह सेंड करूँगी, शेयर करती रहूँगी। आप वीडियोस को डेली देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसके अलावा आपने ये बात इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक दफ़ा पानी दे के फिर आपने बार बार पानी नहीं देना और ना आपने बार बार चेक करना है। बस एक दफ़ा आप पानी दे के इसको अच्छी तरह से आप रख ले, फिर एक हफ्ते के बाद आप चेक करें कि इसमें अगर पानी सूख गया है तो आप फिर पानी लगा सकते हैं, इसको दे सकते हैं। ये जो कटिंग मैंने लगाई है ये है एस्पेरिगस की, तो ये भी देखते हैं कि लगती है या नहीं, लेकिन अगर आप इसको पॉली हाउस में रखेंगी तो 100% आप इसको इसके रिज़ल्ट आपको 100% ही मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं तो उनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं पॉली हाउस में, आपकी सारे प्लांट्स की कटिंग लग जाएगी। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग दिसंबर में भी लगाई है और उन सब की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने उनको लगाया है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पानी दे के पानी आपने अच्छी तरह से दे देना है और इसके बाद आपने इसको रखना है पॉली हाउस में। उसमें रखने के बाद आपने इसको फिर बार बार पानी नहीं देना और ना कोई खाद फर्टिलाइज़र देना है, बस आपने उसमें रख के उसको आपने छोड़ देना है। फिर एक हफ्ते के बाद आपने चेक करना है कि इसकी मिट्टी सूख गई है, अगर मिट्टी सूख गई है तो फिर आपने दोबारा इसको पानी देना है। इसके बाद आपने बार बार पानी नहीं देना जब तक कि इसकी मिट्टी 1-2 इंच तक सूख नहीं जाती, वरना फिर आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने बार बार चेक नहीं करना, बस एक दफ़ा लगा के आपने छोड़ देना है, फिर आपने एक हफ़्ते के बाद ही इसको देखना है। वैसे आपको नज़र आएगा, ये देखे फ्रेंड पॉली हाउस में मैंने जो प्लांट्स रखे हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ। जितने भी मैंने कोलियस की कटिंग को सेव किया है, बाकी जितने भी कुछ परमानेंट प्लांट्स थे उनको मैंने सेव किया है, केलेंचू का है और इसके अलावा बेबी सन रोज़ का प्लांट है जिसकी कटिंग मुश्किल से लगती है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो सब की कटिंग माशाल्लाह से अच्छी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड सब की ग्रोथ आप देख सकते हैं और इसकी कलर की कितनी फ्रेश है, मतलब सारे लीव्स अच्छी तरह से फ्रेश है, तो इसका मतलब है कि इसमें सही इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके साथ यहाँ पे मैं अभी रखूँगी ये बाकी जो कटिंग मैंने लगाई है उनको भी इसी के पॉली हाउस में मैं रख लूँगी, क्योंकि पॉली हाउस के बग़ैर कटिंग आपकी जनवरी में सेव नहीं हो सकती और ना आपकी कटिंग फिर चल सकती है। तो इस तरह मैं यहाँ पे एक पॉट रख लूँगी, क्योंकि ये जितने भी प्लांट्स हैं इसको इसकी कटिंग बाहर अगर आप रखेंगी तो इसकी कटिंग नहीं लगेगी, इसलिए आप इसको पॉली हाउस में ज़रूर रखेंगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग हम सनलाइट में रख सकते हैं, उसमें भी इसकी ग्रोथ होती है, जो मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मतलब जेलीबीन का प्लांट था, सीडम का प्लांट था, एचवेरिया का, तो वो आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, वहाँ भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये जो कुछ प्लांट ऐसे है जो परमानेंट प्लांट्स हैं, शेड लविंग प्लांट्स हैं, उनको आपने डायरेक्ट सनलाइट में और शेड में नहीं रखना, क्योंकि ओस से भी आपके प्लांट्स ख़राब होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड आपने इसको सर्दी से ठंड से भी बचाना है, तो इस तरह का आप पॉली हाउस बना ले और उसमें आप जितनी मर्ज़ी आप परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगा ले, कटिंग आपकी ज़रूर ग्रो होगी, उनके रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और कटिंग जो ग्रोथ है वो 15 फरवरी के बाद आपके प्लांट्स की स्टार्ट होगी, लेकिन ये है कि आपकी कटिंग सेव हो जाएगी। ये बाकी जो प्लांट्स हैं इनको मैं शेड में रख लूँगी, शेड में भी इनकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन बार बार आपने पानी नहीं देना। ये जो एलोवेरा है इसको भी आपने शेड में रखना है। इसके अलावा फ्रेंड आपने अपने परमानेंट प्लांट्स को किस तरह बचाना है, जिस तरह मैंने बचाया है आप देख सकते हैं कि जनवरी में भी इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितनी अच्छी इसकी कंडीशन है, सारे लीव्स ख़राब नहीं हुए, कुछ कुछ लीव्स ख़राब हो रहे हैं लेकिन बाकी प्लांट्स सेव है। इसी तरीके से आप भी अपने प्लांट्स को सेव रखें, पानी बार बार ना दे, कुछ दिनों के बाद दे और इसको नेट के नीचे रखे, तो आपके प्लांट्स सेव हो जाएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक